फ्रेंड्स, आज हम आपको एक फिट बैंड दिखाते हैं जो आपका ऑक्सीजन लेवल भी मेजर कर सकता है। दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस में ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में पता करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई सिम्टम ना हो लेकिन आपके खून में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो उसको जानने के लिए आपको बहुत सारे ऑक्सीमीटर आ रहे हैं मार्केट में, और ऑक्सीमीटर की बजाय मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये फिट बैंड ले लीजिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल के पता करने के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपका डीप स्लीप क्या क्या पैटर्न है, आप कितना चल रहे हैं, कितनी कैलोरी बर्न करी है, आपकी पल्स रेट क्या है, तो वो सब आपको इसमें दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये है आपका ऑनर बैंड 5। इसकी कीमत आप देख ही रहे हैं, 2199 है। तो ये आपको देख ही रहोगे यहाँ पे कि ये SpO2 सपोर्टेड है। ये आपको इंटेलिजेंट स्लीप डाटा भी देता है, जब आप सोते हैं तो आप कितने घंटे डीप स्लीप हुई है आपकी, कितने घंटे आपकी रैपिड आई मूवमेंट हुई है। रैपिड आई मूवमेंट का मतलब है जब आप सोते हैं तो आपकी जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो हिलती हैं तेज तेज, उस वो टाइम होता है जब आप सपने ले रहे होते हैं, उसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। तो ये इसको भी डिटेक्ट करता है, साथ के साथ ये लाइट स्लीप कितनी हुई है, तो तीन फेसेस ये आपके डिटेक्ट करता है। और इसके अंदर हार्ट रेट जो आपकी पल्स होती है वो ये पता करता है। वाटरप्रूफ भी है, 14 डेज से इसकी बैटरी लाइफ रहती है। और इसके अंदर बहुत सारे आपको, जैसे ये फेसेस के अंदर बहुत सारे फेसेस हैं, ये आप इनकी ऐप आती है उसके थ्रू आप कई सारे फेसेस को डाउनलोड करके कोई भी आप फेसेस लगा सकते हैं। फेसेस में ये सब आ जाता है। तो ये सारे आपके कलर्स अवेलेबल हैं, ग्रीन है, नेवी ब्लू है, ब्लैक, और लड़कियों के लिए पिंक भी है। तो ये बेसिक ही आप देख रहे होंगे कि ये बेसिक फेस है, मतलब इसमें आपसे कई सारे फेसेस, कई सारे डिज़ाइन स्टाइल के आते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो वही जैसे हम आपको पहले बताया था कि ये आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल बता देता है, तो वो ये फीचर है दोस्तों SpO2 का, जो कि इसके लेवल को बताता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो जनरली माना गया है दोस्तों कि अगर 90% से ऊपर है तो ठीक है, 95 अबव होना चाहिए, 90 अबव है तो भी ठीक है, लेकिन 90 से कम है तो डेंजरस है, आपको उसी टाइम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों ये ब्लूटूथ से आपके मोबाइल, कोई भी मोबाइल हो का जिसमें ब्लूटूथ सपोर्टेड है, एंड्रॉयड का फ़ोन हो, तो ये इससे कनेक्टेड हो जाता है। तो आप इससे जो आपको प्ले लिस्ट है उसको प्ले, नेक्स्ट, प्रीवियस, स्टॉप, वो सब आप इसमें कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ब्लूटूथ ऑन है तो आपके मोबाइल में अगर कोई भी अलर्ट आता है वो अलर्ट आपके आपके वॉच में दिख जाएगा, स्मार्ट बैंड में दिख जाएगा। और साथ के साथ कोई फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन भी आपको मोबाइल पे देखने की जरूरत नहीं, आपके बैंड में उसका नाम दिख जाएगा, लेकिन आपको पिक और बात तो आपको मोबाइल से ही होगी। तो ये इस वक्त काम आता है जब आपका मोबाइल दूर पड़ा हो, तो आपके हाथ में ही आपके फिट बैंड लगा होता है तो आप उसमें देख सकते हैं भाई किसका मोबाइल फ़ोन है। तो यही इसमें बताया हुआ है कि ये म्यूज़िक एंड वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो आप इसके साथ। ट्रू स्लीप जैसे आपको बताया था कि ये 3 लेवल चेक करता है आपके स्लीप के पैटर्न के। और ये स्विम स्ट्रोक रिकॉग्नाइजेशन एंड वाटर रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, इसमें स्पोर्ट्स मोड होता है, इसमें आप अपने कितनी बार स्विमिंग के टाइम हाथ को घुमाया वो आपको ये स्ट्रोक्स को ये नोट करता है। और 50 मीटर का इसमें वाटर रेजिस्टेंस है। ये आपके हार्ट रेट, मतलब आपकी जो पल्स है उसको भी ये चेक करके बताता है कि कितने पल्स रेट आपकी चल रही है। सबको पता था कि वही अगर ब्लूटूथ ऑन है तो ये मैसेज को दिखाता है, आपका फ़ोन कहीं घूम गया तो उसको दिखाता है, और रिमोट से आप उसकी पिक्चर भी ले सकते हो। मतलब आपके मोबाइल को आपने कहीं एक स्टैंड पे रख दिया है और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी पिक्चर ले लेगा आपका मोबाइल, तो आपको हाथ से लेने की जरूरत नहीं है, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप इसके थ्रू भी पिक्चर को ले सकते हो। ये मोड्स बता रहा है, वो स्पोर्ट्स के मोड्स होते हैं, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो सब मोड्स आपके फिटनेस मोड्स हैं। और ये दोस्तों ये सारे फेसेस हैं डिफरेंट, आपको जो भी फेस चाहिए, इनकी हुआवे की एक ऐप होती है उसके थ्रू आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। बैटरी 14 डेज की है। ये कुछ इनके डिस्क्लेमर्स हैं कि ये मेडिकल डिवाइस की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रिकॉशन के लिए ऐसा ये डिस्क्लेमर देते हैं। और इसकी डिटेल्स पता रखी है कि एमोलेड जो इसका स्क्रीन है वो 0.95 इंच का है, रैम कितनी है इसके अंदर, और SpO2 मॉनिटर के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे ये लेवल को एक्सेस करता है। बस जो ऊपर हमने बताया वो उसमें सबकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। तो ये कुछ कंपैरिजन भी है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड बैंड 5 है जो कि सबसे लेटेस्ट है। हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे इसमें ये काम करता है। दोस्तों ये ऐप कहती है हेल्थ करके, ये ऐप आती है, तो
ये ऐप उसके आपके से कनेक्ट हो जाती है। तो ये देखो आपको दिखा रहे कितने स्टेप्स मैंने अभी चले हैं। मैं इसको ब्लूटूथ से जैसे कनेक्ट करता हूँ, जैसे मैं ब्लूटूथ ऑन करूँगा ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और ये जैसे मैं आपको ये बता रहा, ये स्लीप पैटर्न को ये दिखाता है। इसमें देखिए ये जो नीचे वाला है वो डीप स्लीप है, जो बीच वाला है वो आपकी लाइट स्लीप है, और जो ऊपर ऑरेंज है वो आपका REM है यानी रैपिड आई मूवमेंट। और जो येलो येलो है ऊपर हल्का सा दिख रहा है आप कितने बार उठे हो। तो ये ऐसे आपका डेली आपका रिकॉर्ड दिखाता है, आपको बताता है कि आपकी नींद कैसी हुई, उसका स्कोर बताता है, और आपको एडवाइस करता है कि आपको अपनी नींद को अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब डिटेल्स ये आपको फीचर में रहता है। वीकली आपको भी समरी देता है आपकी पूरी वीक कैसे, मंथली आपको समरी देता है और पूरे मंथ का आपका एवरेज बताता है। और ये नैप से बताता है, दिन में अगर सोते हैं तो वो कितने अपने एवरेज दिन में नींद ली है। तो ये ऐसे दोस्तों ये पूरी आपकी समरी स्लीप के बारे में बताएगा। तो ये स्लीप का हो गया, ये आपके स्टेप्स का हो गया। ये स्टेप्स का भी वैसे ही डेली वीकली मंथली उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देगा, आप पूरे ग्राफ्स दिखाएगा। ये आपको नीचे टाइम भी दिखाता है, आप उस टाइम के हिसाब से कितने बजे आपने कितने घंटे चले हो, क्या चले हो, सारी डिटेल्स अपने यहाँ पे दिखाता है। और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स अगर आपने कर लिखा था, मैंने कोई इनेबल नहीं करा था। आपकी हार्ट रेट भी आपको ये, अगर आपने अगर हार्ट रेट लिया उस टाइम तो ये यहाँ पे मॉनिटर में ट्रांसफर हो जाएगी और ये आपको ये दिखाएगा। SP2 लेवल ये आपको बताता है कि आपका SP2 ऑक्सीजन लेवल कितना आया है। ये तो मेरा ऑक्सीजन लेवल है 98% रहा है मंथ वाइज, मंथ ईयर वाइज, डे वाइज, जो भी मेरा पुराना रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार से दिखाता है डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसके बारे में आपको दिखाई। ये GPS के थ्रू कनेक्ट होके आप पूरा आपको दिखाएगा आप किस रास्ते से कितनी देर कहाँ पर कितना चले हो, इनडोर रनिंग के लिए, वॉक के लिए, साइकिल के लिए, ये ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके ट्रेनिंग्स के बारे में आपको अगर आप एक्टिव करते हैं तो दिखाएगा। तो ये जो डिवाइसेस है तो इस ऐप के अंदर बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट सकते हैं। और जो मेरी जो ऐप है इसके अंदर ये सारे फेसेस हैं, मतलब मैं इसमें से जो भी फेस चाहूँ मैं एक सेकेंड में डाउनलोड करके मैं रिस्ट वॉच में मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये ऐसे बहुत सारे फेसेस हैं, कोई भी फेसेस आपको जो भी पसंद है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। पूरा डाटा है यहाँ पे, आप चाहे आप शेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है रिस्ट वॉच, मेरा फेस ये बना हुआ है। ये जैसे स्टेप्स के लिए है, मैं जितने जितना चलूँगा उतने उतने ये स्टेप्स आपको ये दिखाता रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे जो हार्ट रेट है, जो मेरी पल्स रेट है एक्चुअली में, ये इसको काउंट कर रहे हैं। तो अभी मेरी पल्स जो है 90 पर मिनट चल रही है, ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप भाग रहे हैं तो ये फास्ट हो जाएगी, आप रेस्ट मोड पे है तो ये कम हो जाएगी, ये थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगी। ये अभी मेजर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, तो ये अभी स्टेबल हो जाएगी। और ये इनोस फाइनली इसमें 86 बताया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये ऑक्सीजन लेवल हम इसमें मेजर कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स, ये हार्ट रेट, जिसमें कोई ऑक्सीजन लेवल अपने का बॉडी का पता करना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये अभी आपको मेजर करके बताएगा। इसने मेजर करना शुरू कर दिया है। इसमें फ्लैश की वजह से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा क्लियर, बट ये 97-96 ऐसा कुछ मेरा बता रहा है। इस प्रकार से आप अपना मेजर कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल और पल्स। और जब आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो ये साथ के साथ आपकी मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग चली जाती है, और ये लाइफ लॉन्ग आपके मोबाइल पर ये रिकॉर्ड रहता है, तो जिससे आप कभी भी ये अपनी हिस्ट्री देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये अपने पल्स को चेक करके उस हिसाब से आप अपना एहतियात बरत सकते हो। तो इसने ये फाइनल बता दिया है। और दोस्तों अभी इसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे हार्ट रेट, SP2 लेवल हो गया, ये आपका स्लीप का है। जैसे मैं कल रात को कितने घंटे सोया ये यहाँ पे भी बता देता है, आपको हर बार मोबाइल में जाके देखने की जरूरत नहीं है। तो कितने घंटे सोए यहाँ पर आपको बता देगा, और आपने जो भी वर्कआउट कर रहे हो आप जिस टाइप के भी, आप इसको भी एक्टिव कर सकते हैं। मैंने फिलहाल ये कभी यूज़ नहीं किया, बट ये सारे 8 टाइप के इन्होंने वर्कआउट्स डिसाइड कर रखे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फेसेस आपको चेंज करने हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे आपको ये वेदर, अगर आपको मोबाइल इनेबल है, मोबाइल में नेटवर्क, तो आपको जो लोकल वेदर है वो भी आपको ये दिखाता है, बारिश आ रही है, कितना टेम्परेचर है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखती है। ये आपका म्यूजिक कंट्रोलर है, ये मैसेजेस आप देख सकते हो यहाँ पे। और जैसे आपको जो फेसेस आपको चेंज करने हैं, तो आप यहाँ से फेसेस, आप कोई भी फेसेस आप लगा सकते हो। जैसे भी आपको फेस चाहिए, जैसे आपको
सुई वाला पसंद है तो आप उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब ये मेरा ये फेस बन गया इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही फेस करना है, जो भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको ये मिलता है, ये इसका चार्जर है, तो 2 हफ्ते के बाद आपको बस इसको निकालना है और इसके अंदर इसको फिट कर देना है। ये फिट हो गया दोस्तों, ये फिट होने के बाद इसको कोई भी आपको जो आपके पास जो भी USB चार्जर है आप उसमें इसको लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये चार्ज हो जाता है, इसको चार्ज होने में 1-1.5 घंटा लगता है। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सुखदेव तनेजा के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा है उसको आपने टच करना है, और इससे आपका हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। और ये बेल आइकन को आपने ज़रूर टच करना है, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें आपने ऑल को करना है। धन्यवाद।